शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने गुरुवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गुट ने सांसद श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल, फौजिया खान और वंदना चौहान को अयोग्य ठहराने की मांग क्यों की। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये सभी सांसद कुशलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। सुले ने उन खबरों पर यह टिप्पणी की जिसमें कहा गया कि अजित पवार गुट ने लोकसभा सदस्य श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल के अलावा साथ ही राज्यसभा सदस्य फौजिया खान और वंदना चौहान को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने गुरुवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गुट ने सांसद श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल, फौजिया खान और वंदना चौहान को अयोग्य ठहराने की मांग क्यों की। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये सभी सांसद कुशलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। सुले ने उन खबरों पर यह टिप्पणी की जिसमें कहा गया कि अजित पवार गुट ने लोकसभा सदस्य श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल के अलावा साथ ही राज्यसभा सदस्य फौजिया खान और वंदना चौहान को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।